हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बुक के बारे में जिसका नाम है 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, जिसे माइकल चैपमैन ने लिखा है। वो ऐसे इंसान थे जो अपने सुधार के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे। उन्होंने पास्ट में की हुई गलतियों से सीखा और अपनी जिंदगी को ऐसे बदला कि उन्हें उस पर गर्व हो, और वो उन्हीं तरीकों को इस किताब की मदद से अपने पढ़ने वालों को बताना चाहते हैं। इस किताब में बहुत आसान 50 हैबिट्स की एक लिस्ट दी गई है, जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फिटनेस गोल्स, मेंटल हैबिट्स, इमोशंस, लाइफस्टाइल, पर्सनल हैबिट्स और डेवलपमेंट जैसी सभी एरियाज को ऑथर ने कवर किया है। इस वीडियो से आपको इन आदतों को शुरू करने की जरूरत को समझने में मदद मिलेगी, और साथ ही आप जानेंगे कि कैसे इन आदतों से आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल YouTube के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। फिटनेस गोल्स एंड हैबिट्स। हमें मेन पॉइंट से शुरुआत करनी होगी, वो है हमारी बॉडी। कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी बॉडी हमारे दिमाग के मुताबिक ना चले। बताए हुए तरीके आपकी बॉडी को रीशेप और ताकत देंगे। वॉकिंग एवरी डे। चैपमैन सुबह उठते ही सबसे पहले चलने की सलाह देते हैं। किसी भी तरह की मूवमेंट आपकी बॉडी में एंडोर्फिन छोड़ देगा और आप एनर्जाइज फील करेंगे। अगर आप सुबह चल नहीं सकते हैं, तो दिन में किसी भी टाइम फिट रहने की कोशिश करें। हो सके तो अपने लंच ब्रेक का इस्तेमाल करें। फैक्ट ये है, चलने से मूड अच्छा होता है। स्टेइंग एक्टिव। हम इन दिनों रुकी हुई सी जिंदगी जीते हैं, अपने डेस्क से बंधे रहते हैं, दूर के सफर के लिए अपनी गाड़ियों में निकल जाते हैं, फिर हम घर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। ऑथर दिन भर एक्टिव रहने पर जोर देते हैं। अगर आप अपने डेस्क पर काम कर रहे हैं, तो भी कुछ कुछ देर में उठते रहें, ऑफिस के आसपास घूमें। अगर आप अपने घर पर टीवी देख रहे हैं, तो एड ब्रेक्स में उठें और यहाँ वहाँ चलें, थोड़े जंप लगाएं या सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें। वर्किंग आउट। चलना बहुत अच्छा होता है, पर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। चेस्ट, पैरों और हाथों की एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। शुरुआत हल्के वजन से करें, और जैसे जैसे आपकी ताकत बेहतर होती जाए, उसे बढ़ाएं। इससे आपका मूड अच्छा होगा, बॉडी मजबूत होगी और आपका दिमाग तेज चलेगा। जॉगिंग ऑन द स्पॉट। एक और आसान सा तरीका है, टीवी देखते हुए या खाली टाइम में एक ही जगह पर जॉगिंग करें। ऐसा रोज करें। बेडरूम एक्टिविटी। अपने चाहने वालों के साथ ज्यादा वक्त गुजारें। रेगुलर प्यार करने से स्ट्रेस से आराम मिलता है, और ये बॉडी को बीमारी से भी आराम दे सकता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम लंबे टाइम के लिए बेहतर हो जाता है। फाइंडिंग अ हैबिट। ऐसा कुछ ढूंढें जो आप रोज कर सकें और जिससे आप बेहतर बने। ये हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है, नहीं भी, पर ध्यान रखें कि उसमें आप अपनी सक्सेस को नाप सकें। अपनी ग्रोथ देखने से आपको बहुत विश्वास मिलता है, और आपको नई चुनौतियों से टकराने का साहस मिलता है। पार्किंग अवे। कितनी बार आप कार को पास में पार्क करते हैं। आपको अपने वर्क प्लेस या जहां भी आप जा रहे हैं, वहां से जितना दूर हो सके उतना दूर पार्क करनी चाहिए। इस तरीके की नेचुरल एक्सरसाइज आपके हेल्थ और मूड को अच्छा रखेगी। स्ट्रेचिंग प्रॉपरली। अपनी लाइफ में फिटनेस सिस्टम को लागू करना सबको अच्छा लगता है, पर हमें स्ट्रेचिंग की जरूरत को भी याद रखना चाहिए। ये ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये स्लो है और बोरिंग हो सकती है। हालांकि ये साबित हो चुका है कि स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है और आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है, साथ ही किसी चोट या दर्द से बचाती है। सुबह नहाने या उठने के बाद 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से ज्यादा फिट बने। टीमिंग अप। अगर आप एक्सरसाइज रूटीन को अपनाने की कोशिश में नाकाम रहते हैं, तो एक टीम या फ्रेंड को ढूंढें, कोई ऐसा जिसके साथ आप एक्सरसाइज कर सकें। किसी के साथ जाना आपको अपने बिस्तर से निकालकर बॉडी को हिलाने में मदद करेगा। आपको महसूस होगा कि दोस्तों के साथ एक्सरसाइज करने से आपकी सेहत बेहतर होगी। मेक एक्सरसाइज फन। एक्सरसाइज घर के किसी दूसरे काम जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है, तो आप लंबे टाइम तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर जिम जाना, वजन उठाना बोरिंग है, तो ऐसा मत कीजिए। आप ऐसे गानों की प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले। अगर आपको आउटडोर खेल खेलना या टेनिस खेलना पसंद है, तो इसे अपनी एक्सरसाइज रूटीन का पार्ट बनाएं। चाहे कुछ भी हो, जब तक आप हिलडुल रहे हैं, आपके लिए बेहतर है। जो आपको पसंद है वो करने से आप खुश रहेंगे और उस पर टिके रहेंगे। मेंटल हैबिट्स। नेगेटिविटी के खिलाफ लड़ने और पॉजिटिव बनने में दिमाग ही बीच में आता है, इसलिए अपने दिमाग से लड़ें और बदलाव लाएं। दिए गए तरीकों से पॉजिटिव मानसिक आदत बढ़ेगी। लुकिंग एट नेगेटिविटी। चैपमैन का मानना है कि दुनिया को आपके देखने के नजरिए का आपकी लाइफ पर गहरा असर पड़ता है। अगर अभी आप हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, तो ये वक्त है एक मानसिक बदलाव का और लाइफ में पॉजिटिविटी और खुशियों को ढूंढने का। अपने मानसिक बर्ताव को बदलने के लिए आपको अपने नेगेटिव नजरिए को समझना होगा और तुरंत उसे बदलना सीखना होगा। खुद से पूछें कि उस सिचुएशन के बारे में अच्छा क्या है, ना कि नेगेटिव पर फोकस करें।
थिंकिंग अबाउट सक्सेस। सफलता के बारे में सोचने में अपना वक्त बिताएं। इमेजिन करें कि आपके लिए सफलता कैसी होगी। ऐसा सोचने और देखने से आपको सब कुछ करने की ताकत मिलेगी। विजुलाइजेशन एक ताकतवर टूल है। कंटेम्पलेशन रिलेशन, कोई भी कदम उठाने से पहले पॉसिबल रिजल्ट को सोच लें। ऐसा करना आपको अच्छा देखने और पॉजिटिव होने में मदद करेगा। अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लेंगे तो आप नेगेटिव साइड पर ज्यादा रिएक्ट करेंगे और आने वाला रिजल्ट आपको कोई फायदा नहीं देगा। नोटिंग योर पॉजिटिविटी, हमने पहले भी पॉजिटिव रहने और दुनिया को पॉजिटिव नजरिए से देखने को समझाया है। आपको उन मोमेंट्स को भी पहचानना है जिसमें आप पॉजिटिव होते हैं। ऐसा करना आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा और आप ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। डिटेलिंग द पॉजिटिव्स, एक और तरीका है जिससे आपकी पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। उसके लिए बस अपने सोचने के तरीके को बदल दीजिए। परेशानियों पर ध्यान देने से वो आपको और उलझा देती है, तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे सॉल्यूशन पर ध्यान दें जो आपकी उस परेशानी से निकल सके। परेशानियों पर ध्यान देने की जगह क्यों ना सॉल्यूशन पर ध्यान दिया जाए। चैलेंजिंग अजम्पशंस, कल्पना करना खतरनाक भी हो सकता है। हम सबने लाइफ में कम से कम एक बार जरूर धोखा खाया है कुछ ऐसी कल्पना करके जो गलत साबित हुई। आपको खुद की कल्पनाओं को ही चैलेंज करना है। इससे आप लगातार सीखेंगे और अगर आप गलत हो तो उससे भी खुश हो, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा है। एक्सेप्टिंग द सक्सेसेस, आप अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस और फेलियर से और भी ज्यादा आरामदेह और जागरूक हो जाएंगे। इससे आप ज्यादा बेहतर होंगे बिना खुद को हमेशा फेल होते देखते हुए। आप 100% टाइम कभी सफल नहीं होंगे और इंसान होने के नाते अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना ज्यादा आसान है। आपको अपनी सफलता को गले लगाना चाहिए और उसको सेलिब्रेट करें, और उसे उस वक्त भी याद रखें जब आपको लगे कि आप असफल हो रहे हैं। रिव्यूइंग योर फेलियर्स, जैसे सफलता को समझना और अपनाना जरूरी है, वैसे ही अपने फेलियर्स को समझना भी जरूरी है। टाइम निकाल कर पता लगाएं कि क्या गलत हुआ और क्यों। अगर आप परेशानी की जड़ का पता लगा लेंगे तो अगली बार के लिए तैयार होंगे और हो सकता है फ्यूचर में उन प्रॉब्लम से बच पाएं। माइंड गेम्स, अपने दिमाग की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इससे आप अलर्ट रहते हैं, ये आपको बेहतर बनाता है और आपको यंग रखता है। रोज अपने साथ माइंड गेम्स खेलें। ये उतना ही आसान है जैसे कि एक छोटी पोयम याद रखना, पर ऐसे आसान काम से आपके दिमाग को चुनौती मिलती है, साथ ही बेहतर भी बनाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सपने देखना याद रखें। हम सबको कामना करना और सपने देखने चाहिए। सोचें कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और उसके बारे में अक्सर सपने देखें। किसी चीज के बारे में सोचना ही उसको सच करने में मदद करता है। इमोशनल हैबिट्स, एक सफल आदमी बनने के लिए आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। हालांकि बहुत से लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे आप समझ सकें। मेडिटेट फॉर सक्सेस, आपको किसी ना किसी तरह का मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कोई नियम नहीं है, आप अपनी पसंद का कोई भी तरीका चुन सकते हैं। आपको रोज मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन कम टाइम जैसे 5 से 10 मिनट और ज्यादा टाइम जैसे 30 या उससे ज्यादा मिनट के लिए किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो आपको अलग अलग तरीके से मेडिटेशन के लिए गाइड कर सकती हैं। डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, सांस लेना एक ऐसा काम है जो हम लगातार करते हैं और अक्सर हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है। टाइम टाइम पर धीमी और गहरी सांस लेने से हमें बहुत फायदा हो सकता है। वॉकिंग मेडिटेशन, इस बदलाव के बिना आप बहुत अस्थिर हो सकते हैं और गलत तरीके से चलने से बच सकते हैं। इस तरीके के मेडिटेशन से बहुत बिजी होने पर भी आपको मेंटल क्लैरिटी आसानी से मिलती है। आइडेंटिफाइंग इमोशंस, अपनी भावनाओं से घबरा जाना बहुत आसान है, पर आपको अपनी भावनाओं को समझना चाहिए ताकि हम अपनी सिचुएशन को बेहतर समझ सकें। जब आपको स्ट्रॉन्ग इमोशंस महसूस हो तो उसको समझने के लिए 4-5 शब्द ढूंढें। पता लगाएं कि आपको ऐसा किस वजह से और क्यों महसूस हो रहा है। ऐसा अक्सर करते रहने से आप खुद के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। पुटिंग पर्सपेक्टिव टुगेदर, अक्सर चीजें बहुत बुरी हो सकती हैं या कभी वो एक इमरजेंसी की तरह आ सकती हैं। आपको चीजों को एक प्लान के अकॉर्डिंग रखने के लिए वक्त निकालना चाहिए। अपनी दुनिया को खुले नजरिए से देखें। क्या यही दुनिया का अंत है या बस जैसा आपने नहीं सोचा था वैसा हो गया है। ऐसा करने से आप सिचुएशन को बेहतर तरीके से काबू कर पाएंगे। 5 मिनट्स ब्रेक, कंप्यूटर के आगे बैठना या घंटों एक ही किताब में घुसे रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। आप अपना कॉन्सेंट्रेशन फोकस खोने लगेंगे और आपकी काम करने की क्षमता भी लगातार कम होने लगेगी। दिन भर में 5 मिनट के ब्रेक लेते रहें। जो भी आप काम कर रहे हैं उससे कुछ देर के लिए दूरी बनाएं और अपने लिए कुछ वक्त निकालें। जब आप अपने काम पर लौटेंगे तो आप रिफ्रेश फील करेंगे। You are what you eat. हम सब ने ये सुना है कि हम जो खाते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। आपको अच्छा खाना बहुत जरूरी है। खाने से आपके मूड का बहुत गहरा नाता है। ढेर सारे फल सब्जियां खाएं। अगर आप अपनी बॉडी को सही खाना देंगे तो आप मजबूत और खुश महसूस करेंगे और काम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हम जैसा खाते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। जिससे भी आपको बुरा लगे ऐसा कुछ ना खाएं।
हैंडल नेगेटिव इमोशंस। ये जरूरी है कि हम कभी ना कभी दुखी जरूर होंगे, हमेशा खुश रहना मुमकिन नहीं है। इसलिए जब भी आप दुखी हों, ये याद रखें कि ये भावनाएं परमानेंट नहीं है, ये कुछ देर के लिए है और ये गुजर जाएंगी। इसको अनदेखा ना करें, उसका सामना करें और जल्दी आपको दूसरी और रोशनी दिखाई देगी। सिटिंग आउटसाइड, ऑथर ने बाहर खुली हवा में जाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। सबको बाहर जाकर गुलाबों की खुशबू को सूंघना और पक्षियों को सुनना चाहिए। इसको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल फोन के बिना करने की कोशिश करें। अपने आसपास के माहौल में खो जाएं और कुछ देर के लिए हकीकत को भूल जाएं। मेंटल रीडायरेक्शन, क्या आपने खुद को हमेशा पहले नेगेटिव साइड जाते देखा है? आप दुख और गुस्से में ही रहेंगे और कभी ध्यान नहीं देंगे कि नेगेटिव क्यों जीतता है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप नेगेटिविटी को चुनौती दें और ऐसी नेगेटिव सोच का सॉल्यूशन ढूंढें। लाइफस्टाइल हैबिट्स, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि वैल्यूज की इतनी जरूरत क्यों है। कुछ लोग अच्छे लाइफस्टाइल की आदतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर ये एक ध्यान देने वाला चैप्टर है। अच्छी आदतों से आप लगातार अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। इन आदतों को अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। व्हाट्स योर वैल्यूज, अपनी वैल्यूज को समझें। इन्हीं वैल्यूज को आपके लिए हुए फैसलों और उठाए गए कदमों को आकार देना चाहिए। अगर आपके लिए गए फैसले आपके वैल्यूज में फिट बैठते हैं तो आप मानसिक तौर पर और ताकतवर बनेंगे और अपने गोल्स ड्रीम्स को पाने की और मेहनत करेंगे। व्हाट्स योर पैशन, अपने जुनून का पता लगाना आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप समझें कि आपको क्या मोटिवेट करता है, क्या आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है, तो आप खुद को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। इससे आपकी प्लानिंग और फैसले लेना भी बेहतर होगा। क्रिएटिंग अ विजन, हम विजुलाइजेशन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। आपका अपना विजन, एक साफ सपना होना बहुत जरूरी है। ये इस बारे में हो सकता है कि आप क्या बनना चाहते हैं या कहां पहुंचना चाहते हैं। इंस्पायरिंग योरसेल्फ, इंस्पिरेशन के लिए आपको खुद को देखना चाहिए। अगर आप खुद को कहीं अटका हुआ महसूस करें तो पीछे देखें और उस वक्त को याद करें जब आपने खुद को बेहद सफल महसूस किया था, जब आपने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया था। उस एहसास को याद करें और उसे आगे बढ़ने में इस्तेमाल करें। उस सफलता तक पहुंचने को ही अपना मिशन बना लें। चैलेंजिंग बिलीव्स, हमें अपनी कल्पनाओं की तरह अपने विश्वास को भी चुनौती देनी चाहिए। आपको ऐसे आदमी से आर्गुमेंट करना चाहिए जो आपसे अलग विश्वास रखता है। समझे कि क्या उनकी बात में दम है या आप अब भी अपने विश्वास पर ही कायम हैं। अपने आप से लगातार सवाल पूछें ताकि आप आगे बढ़ते रहें। लेटिंग गो, हम सब अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा खरीदने के लिए मजबूर हैं। हम अक्सर अपनी खरीदी हुई चीजों में ही अपनी पहचान को छुपा लेते हैं। साथ ही हम इन चीजों को खोने से डरते हैं, पर असलियत ये है कि ये सिर्फ चीजें हैं। हर ऐसी चीज से छुटकारा पाएं जिससे आपको खुशी नहीं मिलती है। पता लगाएं कि आपको किसी चीज की असल में जरूरत है या नहीं, और जिसकी जरूरत नहीं है तो ऐसी चीज को खत्म कर दें। सेल्फिश और सेल्फलेस, आपको ये चुनना है कि आने वाले भविष्य में आप मतलबी होंगे या नहीं। आप अपने लिए सब कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आप मतलबी नहीं बनना चाहते हैं तो। ऐसा तरीका ढूंढना मुश्किल है जिससे आप जैसे हैं वैसा होने में ही आपको सुरक्षित महसूस हो और आप ज्यादा पॉजिटिव फील करें। स्टॉपिंग योरसेल्फ शॉर्ट, ऐसा कितनी बार होता है कि आप खुद को छोटा समझते हैं। लोग अपने नेगेटिव नजरिए की वजह से अक्सर अपने टैलेंट को कम समझते हैं। ऑथर कहते हैं कि पहले वो हमेशा दूसरे लोगों के बारे में पहले सोचते थे, पर वो सलाह देते हैं कि आपको ऐसी चीजें चुननी चाहिए जो आपको पसंद हो, ना कि दूसरे को। डिफीटिंग एक्सक्यूजेस, हमारे दिमाग की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो फेल होने से बचने के लिए बहाने बनाता है। इसको बदलने के लिए अपनी असफलताओं पर ध्यान दें। जब आप अपनी कमियां ढूंढ पाएंगे तो आप और ज्यादा कंफर्टेबल और पॉजिटिव बनेंगे। क्रिएटिंग नॉट रिएक्टिंग, नेगेटिविटी को हैंडल करने का तरीका है क्रिएट करना। उस एनर्जी को अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। इससे आपको एक रिस्पॉन्स को सोचने समझने का वक्त मिलता है। कहां क्या गलत हुआ इसे जानने की सोच में खुद को डूब जाने का वक्त दें। पर्सनल हैबिट्स, इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आप अपना सकते हैं। ये सभी आदतें मेजरली आपके ऑफिस या बिजनेस के काम के आधार पर बनाई गई हैं। सिंप्लीफाई योर डे, अपनी बेकार की चीजों को खत्म करने को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आप इस माइंडसेट को अपनी जिंदगी और अपने दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिन को सरल या आरामदायक बनाने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करें। कोई भी काम ना आने वाली चीज को हटा दें जो आपको भटकाती हैं। बेकार के कामों को करने में जो आप टाइम खराब करते हैं उसे कम करें। प्रोडक्टिवली जीना और काम करना ही आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। एस्टेब्लिशिंग योर गोल्स, कुछ लक्ष्यों को बनाना बहुत जरूरी है। आपको सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग गोल्स पर पहले ध्यान देना चाहिए। आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज में भी गोल हो सकते हैं और आप चाहेंगे कि छोटे और आसान गोल्स को पहले पाएं, पर ज्यादा मुश्किल गोल से शुरुआत करें और आगे बढ़ें। बाद में आप अपने किए हुए काम के लिए आभारी रहेंगे। बिगनिंग अ प्रोजेक्ट, एक प्लान और गोल का होना मोटिवेटेड रहने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको लगातार प्लान्स बनाते रहने चाहिए
साथ ही अपने गोल्स को भी सेट करना चाहिए। याद रहे, ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए जिस पर आप रोजाना काम कर सकें और अपना सुधार देख सकें। रोज उठें, अपने प्लान्स पर काम करने के लिए तैयार रहें और जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक रुके नहीं। डेवलपिंग हैबिट्स, इन हैबिट्स से आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, साथ ही आपके दिन ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। डिटरमाइन योर प्रोडक्टिविटी, क्या आप अपने काम में प्रोडक्टिव हैं? आप सभी को ये देखना चाहिए कि आप काम पर कैसा बर्ताव करते हैं, क्या आप शिकायत करते हैं और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, ऐसा आप क्यों महसूस करते हैं, समझे कि ऐसा क्या है जो आपको काम पर जाने से रोकता है। बैचिंग फॉर सक्सेस, बहुत से प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट सलाह देते हैं कि आपको एक जैसे कामों को एक साथ करना चाहिए। आप देखेंगे कि अपने काम को एक साथ करने, जैसे ईमेल करना, इससे आप उसे ज्यादा जल्दी कर पाएंगे और बहुत से डिस्ट्रैक्शन से बचे रहेंगे। आप एक रिदम में ज्यादा तेजी से काम कर लेंगे। क्रिएटिंग योर प्रायोरिटीज, आपको गोल से जुड़ी अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको ये समझ आएगा कि आपको रोज क्या करने की जरूरत है। आप अपने 3 सबसे जरूरी काम हफ्ते के शुरुआत में लिख लें और रोज ये काम करते रहें। वेकिंग अर्लियर, प्रोडक्टिव एक्सपर्ट्स ने सुबह जल्दी उठने को सबसे प्रोडक्टिव चीज बताया है जो आप कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा पहले उठकर आप खुद को वो करने का मौका दे सकते हैं जो आप वैसे नहीं दे सकते। हर रोज सुबह थोड़ी जल्दी उठने की कोशिश करें, आप जो हासिल कर सकते हैं वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वर्किंग इन बल्क, थोड़े वक्त के लिए काम करने से बेहतर है 3 से 4 घंटों के लिए एक बार में काम करें, साथ ही बीच बीच में ब्रेक्स लें। इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें। लंबे वक्त के लिए काम करें आरामदायक ब्रेक्स के साथ, इससे आप ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगे। लर्न टू से नो, खुद के लिए ज्यादा काम ले लेना और उसे परेशान हो जाना बहुत आसान है। आपको कुछ मौकों पर ना करना भी सीखना चाहिए। याद रहे, आपको किसी कारण या बहाने की जरूरत नहीं है। अगर वो काम ऐसा है जिससे आपको खुशी नहीं मिलेगी तो बेझिझक उसको मना कर दें। अपनी लाइफ पर काबू पाकर आपको खुशी और आजादी का एहसास होगा। फॉलो ऑल द हैबिट्स, ये इस बुक की फाइनल हैबिट है और ये बताती है कि आपको इन हैबिट्स को बार बार पढ़ना या देखना चाहिए ताकि आप अपने आप को बार बार रिमाइंडर दे सकें। थैंक यू दोस्तों, ये किताब ना सिर्फ काम से जुड़ी आदतों के बारे में है, साथ ही ये पर्सनल आदतों के बारे में भी बताती है। इसलिए ये किताब उन सभी के लिए है जो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी को बदलना चाहते हैं। अभी से स्टार्ट करने के लिए 5 आदतें चुन लें। इन आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में काम में लाएं और 30 दिनों तक करते रहें। 30 दिनों के बाद देखें कि आपको क्या महसूस हो रहा है। अगर शुरू की 5 आदतें सफल रही तो कुछ और आदतों को भी एक वक्त में अपनाना शुरू करें। इस वीडियो को दोबारा देखते रहें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता रहता है। और अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो हमें इमीडिएटली ईमेल करें। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकते हैं तो ये सबके साथ शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।